हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बुला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में और इस मेडिसिन का नाम है टैबलेट सिनडोपा प्लस। दोस्तों, सिनडोपा प्लस टैबलेट एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन दवा हैं, एक है लिवोडोपा 100 mg और दूसरा है कार्बिडोपा 25 mg। ये कॉम्बिनेशन मिलकर बनता है टैबलेट सिनडोपा प्लस। दोस्तों, सिनडोपा प्लस टैबलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी रोग में काम आती है और इस बीमारी का नाम है पार्किंसंस डिजीज़। दोस्तों, पार्किंसंस डिजीज़ ये एल्डरली लोगों की बीमारी है, बूढ़े लोगों की बीमारी है और इस बीमारी के अंदर इस दवा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग है। दोस्तों, पहले आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ होती क्या है, फिर आपको इस दवा के बारे में समझने में बहुत आसानी होगी। पार्किंसन डिजीज़ दोस्तों एक नर्वस सिस्टम की बीमारी है। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें अफेक्टेड हो जाते हैं। ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व सेल्स होते हैं उनके अंदर डैमेज होता है और नर्व सेल्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट केमिकल होता है डोपामिन, उसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो नर्व सेल्स के अंदर डोपामिन केमिकल का लेवल कम होने से कुछ लक्षण देखने मिलते हैं और वही लक्षण पार्किंसन डिजीज में दिखते हैं। ये लक्षण जो प्रमुख लक्षण है वो है, पहला है ट्रेमर्स यानी कि कंपन। मरीज के अंदर, वयस्क मरीज के अंदर कंपन देखने मिलेगा, इसको हम बोलते हैं ट्रेमर्स, हाथों पैरों में कंपन होना, हाथ स्थिर नहीं होना। दूसरा है रिजिडिटी यानी कि जकड़न, उनके जो अपने हाथ पैरों का जो मूवमेंट्स होना चाहिए एकदम सिंपल इजी मूवमेंट्स, वो नहीं होता और जकड़न मिलेगा देखने में, यानी एकदम चलेंगे एकदम जकड़ के जैसे उनको किसी ने पकड़ रखा हो, इसको हम बोलते हैं रिजिडिटी, एकदम साफ मूवमेंट्स नहीं आएंगे। तीसरा है एकाइनेजिया यानी जो पेशेंट का जो कंट्रोल होता है हमारा, हमारे चलने पर, हम जब चलना चाहते हैं तो हम अपने आप से हाथों पैरों के मांसपेशियों को हिलाते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स करते हैं और आराम से चलते हैं, ये नहीं हो पाता, उसको हम बोलते हैं एकाइनेजिया, लॉस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ मसल्स, यानी अपने आप से खुद से चल नहीं सकते, एकदम धीरे 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 चलेंगे, उसको हम पार्किंसन गेट बोलते हैं। जैसे हम नॉर्मली चलते हैं ऐसा नहीं चलेंगे, धीरे 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 चलते हैं कपकपाते हुए। और जो चौथा इंपॉर्टेंट लक्षण है वो बैलेंस पोस्चर, सही स्थिर एक जगह खड़े नहीं रह सकते, उनको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चार साइंस हैं जो पार्किंसन बीमारी में देखने मिलेंगे आपको। दोस्तों, इस बीमारी के स्टेजेस भी हैं, 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। शुरुआत में बीमारी के लक्षण है वो हल्के फुल्के होते हैं, इसलिए पेशेंट आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसको पार्किंसन है, इसको हम बोलते हैं स्टेज 1। और जैसे जैसे बीमारी की गंभीरता बढ़ती है, अगर इस समय इस पेशेंट को सही इलाज नहीं मिला तो बीमारी गंभीर स्टेज में पहुंच जाएगी, स्टेज 5 तक पहुंच जाएगी, जिस पे पेशेंट चलना तो दूर व्हीलचेयर पे आ जाएगा और आपको उसको व्हीलचेयर पे ले जाना पड़ेगा। तो इस बीमारी काफ़ी गंभीर बीमारी है, काफ़ी गंभीरता से इसका इलाज करना पड़ता है और इस दवा का इसमें उपयोग होता है। अभी आप सिनडोपा प्लस इस बीमारी के अंदर कैसे ठीक कर दिए? दोस्तों, सिनडोपा प्लस के अंदर जो लिवाडोपा है वो हमारे, जब हम इसको खाते हैं, पेशेंट खाता है तो ब्रेन के अंदर जाके डोपामिन बन जाता है। तो जो डोपामिन लेवल की जो ब्रेन के नसों में जो नर्व सेल्स में जो कमी होती है उसको पूरा करता है और इस तरह से इन पेशेंटों में फ़ायदा करता है। तो जो डोपामिन केमिकल इंपॉर्टेंट केमिकल है उसकी कमी को दूर करके ये इंपॉर्टेंट दवा काम करती है। दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट्स पे आते हैं, इसे क्या साइड इफ़ेक्ट्स है? नॉर्मली सेफ दवा है, पर नॉर्मली जो नौजिया, वोमिटिंग, उल्टी उबाक जैसे होना, स्लीपीनेस, ज़्यादा नींद आना, डिजीनेस, चक्कर से आना और ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, यानी कि पेशेंट अगर अचानक से खड़ा होगा तो उसको बीपी कम हो जाता है और उसको चक्कर आते हैं। तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। कैसे इस्तेमाल करना है? इस टैबलेट को चू नहीं करना है, क्रश नहीं करना है, इसको पानी के साथ निगलना है, हल्के फुल्के खाने के साथ निगलना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हैवी प्रोटीन डाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हैवी डाइट लेने से, प्रोटीन डाइट लेने से इस दवा का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होता है, खून के अंदर इसके लेवल नहीं आएंगे, इसका असर नहीं देखने मिलेगा। तो जो प्रोटीन डाइट है जैसे कि एग्स है, चिकन, मटन, ये ज़्यादा नहीं खाना है, हाई प्रोटीन पाउडर वगैरह अवॉइड करना है इस टैबलेट को लेते समय, और ज़्यादा फैटी फूड जैसे मिल्क वो भी अवॉइड करना। तो हल्के खाने के साथ इस टैबलेट को लेना है ताकि उसका असर अच्छे से देखने मिले आपको। डोसेज, इसकी क्या डोज लेनी? दोस्तों, डोसेज डॉक्टर्स विल डिसाइड आपको क्या डोज लेना है बीमारी की गंभीरता को देख के, और कभी भी सेल्फ मेडिकेट नहीं करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, यानी सिर्फ डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर ही आपको ये दवा लेनी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कुछ सेफ्टी एडवाइस हम आपको बताते हैं। अल्कोहल और ड्राइविंग करते समय बिल्कुल भी नहीं लेना है, इट्स अनसेफ टू यूज इट वाइल अल्कोहल और ड्राइविंग। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो नॉर्मल डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं
तो इसको अवॉइड करते हैं। नॉर्मली किडनी बीमारी है तो नॉर्मली सेफ है, और अगर आपको लिवर संबंधी कोई बीमारी है तो कॉशन कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग इट। दोस्तों ये टैबलेट आसानी से हर मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 40 रुपीज़ के आसपास इसका पत्ते का कॉस्ट पड़ता है, स्ट्रिप का कॉस्ट पड़ता है। तो दोस्तों आज हमने आपको टैबलेट सिंडोपा प्लस, जो कि पार्किंसन बीमारी में काम आती है, दोनों के बारे में आसानी से समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके उपयोगी होगा, इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और ला कर दे सकें। दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।